इस वक्त अयोध्या में राम नाम की धूम है। नमस्कार, मैं हूं केशव और आपको दिखा रहा हूं अयोध्या की वो तस्वीरें जिसको देखने के लिए जो है देश विदेश से लोग आ रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त राम नाम की धूम मची है और इस वक्त मैं राम मंदिर के जस्ट बाहर खड़ा हूं। यहां पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। मैं चाहूँगा कि जरा तस्वीरों को दिखाया जाए और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की आस्था को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस वक्त राम नाम की ही धूम मची है। हर तरफ राम के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राम मंदिर का ये परिसर है, इस वक्त मैं उसी जगह में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो है दोनों तरफ जो है काम शुरू है। इस वक्त काफ़ी तेज़ी से जो है काम चल रहा है। और ये देखिए, रॉन्ग वे से आने के लिए यहाँ पर देखिए अत्याधुनिक जो हैं वो स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर की तरफ मैं निगाह ले जाना चाहूँगा कि अगर उल्टी दिशा से कोई आएगा तो गाड़ी जो है वो आगे नहीं जा पाएगी। ये इसमें जो है नेल्स लगे हुए हैं, यानी पूरी तरीके से अयोध्या में हर वो चीज़ लगाई जा रही है या की जा रही है जो यहाँ बेस्ट हो सकती है। देखिए, ये इस वक्त हम राम मंदिर के परिसर में ही मौजूद हैं और राम जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण इस वक्त कितना हो चुका है। अंदर तो जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक हम तस्वीरों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रवेश द्वार है उसके निर्माण और उसकी नक्काशी का काम जो है फिलहाल यहाँ पर इतना हो सका है। नक्काशी हो चुकी है, लाल पत्थरों से सजाया गया है राम मंदिर को। और जो है यहाँ पर देखिए कि फिलहाल जो सुग्रीव किला है ये इसका निर्माण चल रहा है। सुग्रीव किला की तरफ मैं चाहूँगा कि जो मेरे सहयोगी हैं वो ज़रा सुग्रीव किला की तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो सुग्रीव किला है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम, क्योंकि ये परिसर काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से देखिए वो राम मंदिर का जो गुंबद है, जो उसका उसकी जो निर्माण का जो दिखाई दे रहा है, इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उसके भी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार निर्माण चल रहा है और 24 घंटे जो है वो यहाँ जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। निर्माण का कार्य जारी है। तमाम हिस्सों को जो है वो एक्वायर किया गया है, चूँकि ये सब हिस्सा जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सब हिस्से जो हैं वो सरकार की तरफ से लिए गए, खरीदे गए और उसके बाद जो है इसका निर्माण कार्य किया गया। मैं आपको इसके पीछे की घटना बता दूँ कि जो हमें जानकारी मिली कि BJP और RSS की तरफ से, स्वयंसेवकों की तरफ से जो है इस मंदिर को के लिए जो है ज़मीनें खरीद खरीद कर जो है वो दान करवाई गई, ताकि मंदिर का निर्माण ठीक तरीके से हो सके, इसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी ना आए। और इसके लिए जो है जो भी लोग थे जिनसे भी ज़मीनें ली गई उन्हें उसकी कीमतें दी गई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा ऐसा था जिस पर अवैध रूप से कब्ज़ा था और उस कब्ज़े को हटाकर जो है राम मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पर कि जो राम मंदिर है वो उसके काम उसका जो है उसकी साफ़ सफाई का उसे फाइनल टच देने की कोशिश की जा रही है। पत्थरों को चमकाया जा रहा है। इस वक्त भी JCB यहाँ पर लगी है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्सुक नज़र आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अयोध्या के। आप लोग दर्शन करने आए थे? हाँ। क्या क्या देखा अभी आपने? अभी तो देखे नहीं, घूम ही रहे हैं। अभी घूमने आए हैं कि कितना निर्माण हुआ है? क्या नाम है आपका? अनीता जी। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 30 साल से आ रही हूँ, मैं रास्ता ही भूल जा रही हूँ। मैं बॉम्बे से आई हूँ, बॉम्बे से बेटी के इधर। हाँ। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहती थी क्या? नहीं, मेरी बेटियाँ किधर शादी हुआ रहती हैं। अच्छा, बॉम्बे से यहाँ आए हैं। हाँ जी, तो देखने आए हैं। हाँ। और जरा कुछ लोग हैं, जरा रुक करें। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग फैजाबाद के ही हैं, अयोध्या के निवासी हैं। आए हैं जो है अयोध्या पे, आज दुर्दुरिया थी वही राम पैड़ी पे हम लोग आए थे, राम जी का दर्शन करने यहाँ। अच्छा, क्या दर्शन हुआ? अभी तो नहीं जा पा रहे होंगे? नहीं, गए तो थे।
दर्शन अंदर हुए? हाँ अंदर जा पा रहे हैं अंदर? जी बिल्कुल ठीक है। तो अंदर दर्शन हो पा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रसन्न चित्त नज़र आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी आगे दिखाएं, क्योंकि अयोध्या, फैजाबाद, आसपास के लोग जो हैं मन में राम मंदिर को देखने की उत्सुकता लिए जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए पहली तस्वीरें जो है NBT अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाने की कोशिश करेगा कि राम मंदिर की जो भव्यता है वो यहाँ से नज़र आएगी। इतनी जो चौड़ी और पूरा जो चौड़ा सा इलाका है इसे यहाँ पर राम भक्तों के आने के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि मुझे फॉलो करें और उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करें जो NBT के दर्शक अपने घर बैठे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ का माहौल क्या है। देखिए माहौल तो इस वक्त जो है वो काफ़ी जोशीला नज़र आ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और जगह जगह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? हम नेपाल से। नेपाल से आ रहे हैं? नेपाल से। हाँ। इतनी दूर से कैसे आए? ट्रेन से आए। और फिर यहाँ कैसा रास्ता रहा? बहुत अच्छा है। नेपाल में कहाँ से हैं आप? हम मलंगबाज। अच्छा, सरलाही जिला मलंगमा। कहाँ से? सरलाही जिला मलंगमा से है। अच्छा, तो नेपाल से आप लोग को यहाँ आने का क्या इच्छा? हम लोग सनातन धर्म है, यह राम जी का जन्मभूमि है, राम जी का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग का यहाँ दिल हुआ आने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दिल हुआ इसलिए? हाँ, दिल हुए राम ने भगवान राम करने के लिए आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे इस वक्त देखिए नेपाल से लगाए जा रहे हैं। नेपाल से आए हुए दर्शनार्थी हैं जो भगवान राम के दर्शन के लिए, जब उनकी स्थापना हुई, अब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब श्री राम लला अपने जन्मभूमि में विराजेंगे, बाल रूप में नज़र आएंगे। और ये देखिए सामने जो है अब हमें राम मंदिर का जो अभी तक जो बना हुआ जो स्वरूप है वो नज़र आ रहा है। तो NBT अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर आया है और दिखा रहा है कि किस तरीके से इस वक्त राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य है कितनी तेज़ी से चल रहा है। 22 तारीख को के स्वागत के लिए पूरी तरीके से अयोध्या तैयार हो रही है। नेपाल से आए हुए भी लोग हमारे पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के, जबकि पूरे नेपाल ही, भारत ही नहीं, नेपाल से यानी दूसरे देश से भी, चूँकि नेपाल जो है वो माता सीता की जन्मस्थली है, वो उनकी ये देखिए जय श्री राम के नारे से इस वक्त जो है राम मंदिर का परिसर गूंजता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से पीछे की तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए राम मंदिर के जहाँ से दर्शन हो पा रहे हैं वहाँ जो भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, भगवान राम में आस्था रखने वाले हैं, उनकी भीड़ कितनी ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। और ये करीब जो है 600 मीटर का जो लगभग जो स्ट्रिप है वो हम लोग क्रॉस करके अब राम मंदिर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, NBT आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो है राम के आने को लेकर लोगों के भीतर कितना उत्साह नज़र आ रहा है। मैं ज़रा और भी लोगों से बात करूँगा। देखिए लंबी कतार लगी है, लाइन लगी है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। ज़रा उनसे भी बात करूँगा और समझने का प्रयास करूँगा कि उनके दिल में भगवान राम के लिए आस्था का क्या जो सैलाब उमड़ रहा है वो किस तरह का है। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? MP मध्य प्रदेश से आ रहे हैं जी, नरसिंहपुर से आ रहे हैं, नरसिंहपुर जिले से। अच्छा, नरसिंहपुर जिले से जी। कैसा उत्साह दिख रहा है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आनंद ही आनंद है। चकाचक चकाचक। हम मैं लखीमपुर खीरी से, यूपी से। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला। बहुत दिन का नेपाल से। नेपाल सप्तरी जिला से। अच्छा, आप नेपाल से? नेपाल से। नेपाल नेपाल से आने की क्या जरूरत पड़ गई? चाहिए, राम जन्मभूमि के बहुत दिनों के बाद पाए हैं। भगवान राम बहुत दिन बाद आए। राम आ गए? राम आ गए, आ गए। क्या नाम है आपका? अमृत प्रसाद शाह। अमृत जी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी नेपाल से आए हैं। ये पूरी टीम कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या से है। देखिए क्या बात है, आगरा। आगरा नेपाल। मध्य प्रदेश। राजस्थान से हम। राजस्थान। झारखंड। 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 आप कहाँ से बाबा? छत्तीसगढ़। कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कानपुर। कानपुर।
बिहार 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 में कहाँ से? गया जी से आ रहे हैं। झारखंड झारखंड से झारखंड झारखंड से झारखंड से झारखंड जय श्री राम जय श्री राम योगी जय श्री राम। स्थानीय कहाँ से आ रहे हैं? मलेशिया। मलेशिया से आ रहे हैं? मलेशिया। तो वहाँ वहाँ से भी आप यहाँ विदेश से आ रहे हैं? एक्चुअली ही डजंट नो हिंदी। आप हिंदी? नहीं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा ये बताइए मलेशिया से यहाँ आने का क्या? वी ऑलरेडी गॉट गाय, वी ऑलरेडी गॉट गाय। Yes. Are you coming from Malaysia? Yes, we are coming from Malaysia. यहाँ पर आने का यहाँ आपका क्या मकसद है? We don't understand. You have to speak in English. No, like what is the purpose of coming to this? Oh, we are coming here because we are in a spiritual journey. We are all together 22 people. We are coming here. We are taking this opportunity to come to Ayodhya, because Ayodhya Ramar temple, it's a very special place for us. We want to come here, we want to get the blessing of Sri Ramachandran. My name is Vijay. Vijay? Yes. This is Vijay. Ye Vijay hai aur Ayodhya se Malaysia se aaye hain, aur inka kehna hai ki unke liye spiritual jo jagah hai, aadhyatmik jagah hai, jahan par unka aana jo hai wo Bhagwan Ram ke darshan ke liye sabse important ho gaya, kyunki Bhagwan Ram ka ki ye janmbhoomi hai, aur aise mein inka kehna hai ki ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यानी देश ही नहीं विदेश से भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, मलेशिया हो, नेपाल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम महाराष्ट्र से, कोल्हापुर। कोल्हापुर से? कोल्हापुर से आ रहे हैं। देखिए आप कहाँ से हैं भैया? जालौन। जालौन से? तो मतलब पूरा भारत यहाँ पर इस वक्त जो है उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, और आप ऐसे में कह सकते हैं कि न केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश इस वक्त जो है वो राममय है। इतनी लंबी कतार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से भगवान राम के आगमन की स्वागत, उनके आगमन के और उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। भक्तों की कतार लगी है। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लखनऊ से। लखनऊ से? मतलब पूरा भारत यहाँ पर इस वक्त हमें नजर आ रहा है। क्या अयोध्या, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या झारखंड, क्या बिहार और क्या नेपाल, मलेशिया तक से जय श्री राम।